कानून की नजर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। नैब के हवाले से हमारे भी कुछ तहफ्फुज़ात हैं। हुकूमत आजादी सहाफत पर यकीन रखती है। इदारे गैर जानिबदाराना तौर पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पार्टी नहीं बनेगी। उम्मीद है नैब ठोस सबूत अदालतों में लाएगा। फिरदौस साशिकवान की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम ने दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया। मुल्क में सहाफियों के हकूक और तहफ्फुज के लिए कानून ला रहे हैं। कानून की नजर में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हम नैब से पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तरह तवक्को रखते हैं कि वो कानून का यकसा इतलाक करे। आजादी राय का जो हक है उस पे ना सिर्फ कामल यकीन रखती है बल्कि उसको यकीनी बनाने के लिए सहाफती बरादरी के रास्ते की हर रुकावट को दूर करने के लिए पुरअज़म है। और हुकूमत इस केस में कहीं पार्टी ना है ना बनेगी तो हम ये उम्मीद रखते हैं तवक्को रखते हैं कि नैब इस सिलसिले में जो भी ठोस सबूत और वाजिया हकायक हैं वो अदालतों के सामने लाए और ताकतवर और कमजोर के लिए कानून की आंख को मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे और दिखाएंगे तो इससे पाकिस्तान के अंदर दो नहीं एक पाकिस्तान का जो वजीर आजम पाकिस्तान का नारा है वो ख्वाब जो है वो हकीकत का रूप नहीं धार सकेगा। और ये सहाफती बरादरी के वो तमाम जो चैलेंजेस हैं जो उनके रोजगार के साथ जुड़ा है जो उनकी लाइफ सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है जो उनकी सोशल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है वो तमाम उनके हकूक जो हैं उस बिल के जरिए हुकूमत एड्रेस करने जा रही है।